देखो फ्रेंड्स, ये किचन का एरिया है और इस किचन के अंदर में एक दो तीन चार, यानी चार बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन ये किस किस चीज़ के लिए है, तो मेन आपका यहाँ देखेंगे 8 मॉडल का बोर्ड लगा है, जिसके अंदर में टोटल यहाँ पे अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 2 4 6, यानी 6 पॉइंट का हुआ। और इसमें जो भी 4 वायर हैं, एक फेस है, न्यूट्रल है, बॉडी अर्थ है और एक इन्वर्टर का भी है। प्लस में यहीं से एक लूपिंग होके जाएगा वो उस पावर के पास में, क्योंकि वहाँ इंडक्शन चूल्हा यूज़ होगा, इसीलिए वहाँ पे पावर चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट है। एक पावर का पॉइंट वहाँ पे भी रहेगा, 2 पावर वहाँ यूज़ होगा। इसके बाद यहाँ पे भी पावर का पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ एक आरओ के लिए लगेगा पॉइंट बन रहा है, और दूसरा यहाँ पे फ्रीज जो रहेगा उसके लिए भी पॉइंट है। यानी यहाँ पे 2 पावर दे रहे हैं, वहाँ पे भी 2 पावर दे रहे हैं, एक पावर यहाँ पे भी दे रहे हैं, और नॉर्मल यहाँ पे एक स्विच लगेगा, सॉकेट रहेगा, जिससे ये सिर्फ ऑपरेट होगा। और ऊपर में अगर आप दिखा पाओ, एक वहाँ पे सेलिंग रोज, एक लाइट यहाँ पे है, दूसरा लाइट कौन सी लाइट यहाँ है, तीसरा वहाँ है, एक एग्जस्ट वहाँ पे भी है, और एक पॉइंट यहाँ पे भी है। यानी ये टोटल 6 पॉइंट का इसके अंदर में आया हुआ है। तो ये सबका वायरिंग किस तरीके से करेंगे, तो पहले आपको यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप अगर इस तरह का पॉइंट अगर आप बना के रखे हैं तो आप इसमें मार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 2 इसमें सेम ही वायर है, तो इसमें मार्किंग आप इस तरीके का कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक ही वायर है, तो ब्लैक को आपने छोड़ दिया है, और यहाँ पे सिर्फ एक पीला टेप से इसको मार्किंग कर लिया। यानी ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो इसको आप इस तरीके से, जैसे इस पे भी मार्किंग करके रखा हूँ, इस बोर्ड के अंदर में देखेंगे यहाँ पे भी मार्किंग करके रखा हूँ, ये फेस का है, प्लस में ये न्यूट्रल का है, और ये बॉडी अर्थ है, तो इसके अंदर जनरली पावर ही आएंगे, और वहाँ पे भी पावर जाएगा, इसके लिए भी मार्किंग करके रखा हूँ। तो आप इस तरह मार्किंग सभी में करके रखेंगे। और ये इसका प्लेट है, जो 6 मॉडल का प्लेट है। और इसके बाद इसको खोलने के बाद आप इसके अंदर में स्विच सॉकेट लगा के फिटिंग करेंगे, तो इसमें पावर यूज़ होगा, तो वो भी है। इसके बाद देखेंगे जनरली इस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं। ये देखिए, पावर के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ, ये एक 16 एम्पेयर का सॉकेट है, और ये 16 एम्पेयर का स्विच भी है। इसके पीछे का टर्मिनल देखेंगे तो इसका वायरिंग भी आपको आगे बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आपको आगे और भी दिखाते हैं। का बोर्ड लगा है जिसके अंदर 6 पॉइंट है, तो टेप से इस तरीके से आप इसको अच्छे से बांध दें, ताकि ये बोर्ड के अंदर में जब फिट हो तो ये उजराए नहीं, ताकि आप इस तरीके से इसके अंदर टाई भी मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आपको जो सुविधा लगे वही यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये आपका न्यूट्रल हो गया, बॉडी अर्थ हो गए, ये आप फेस है, और प्लस में ये इन्वर्टर के लिए है, और प्लस में ये जो इसका लूपिंग करेंगे जो उस बोर्ड के लिए आएगा पावर के लिए, और इस सभी का पॉइंट। तो चलिए इसका बोर्ड को रेडी करते हैं, इसके बाद इसके अंदर फिट करते हैं। तो ये रहा 8 मॉडल का बोर्ड। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ लगेगा वो आपको करके बताते हैं। तो ये अभी इसके अंदर में एक सॉकेट लगेगा, उसके बाद स्विच लगेंगे। तो ये सभी स्विच को किस तरीके से, तो फिलहाल इसको पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इसके अंदर में स्विच है और एक आपका सॉकेट है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, कि हमने वहाँ पे पॉइंट आपको बताया था कि 6 पॉइंट लगेगा, तो इसके अंदर में क्या करना है, अभी इसको हम एक साइड करते हैं, ये इसके लिए ये साथ में काम करेगा, और इसके अंदर में जो स्विच रहेगा 5, यानी वहाँ पे इस पॉइंट के अंदर में 6 वायर है, तो एक को क्या करना है कि कॉमन करना है, एक को डबल करके, तब ये टोटल, यानी इसके अंदर में टोटल हो जाएंगे 5। तो इसके अंदर में क्या करना है, 5 स्विच लगेगा, जिससे बल्ब, फैन, एग्जॉस्ट जो भी इससे ऑन होने वाले हैं वो भी चीज़। तो इसका वायरिंग करते हैं। तो देखिए इसके अंदर में अब ये सॉकेट को किस जगह लगाना चाहिए, क्योंकि हमें बोर्ड इस तरीके से चाहिए, एंट्री होगा इधर से, तो हमेशा याद रखना है सॉकेट को हमें इस साइड करना है, ताकि कभी भी सॉकेट के पास हाथ ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान, हम सॉकेट यहाँ यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड को सजाना भी ज़रूरी है, जितना अच्छे से सजा के रखेंगे उतना भी ज़्यादा अच्छा होगा।
और एक और चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस सॉकेट स्विच को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो तरीका है आप इसके अगर पीछे देखेंगे तो ध्यान देना है, कभी गलत मत लगा लीजिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मार्किंग भी एक लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लगाने वाले, इसको इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से आप देखेंगे तो हमेशा ये स्विच इस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये यहाँ जाके इस टर्मिनल में सटता है तभी इसको ऑन करता है। अगर हम यहाँ से इसको इनपुट देंगे तो ये गलत तरीका है, हमेशा नीचे से देना है, इसीलिए स्विच को हमेशा इस डायरेक्शन में लगाना है। और इसका अगर मैं आपको बैक साइड आपको दिखा पाऊँ इसके पीछे की ओर, तो देखिए इस तरीके से आपको सारे के सारे एक लाइन में है, आप इस तरीके से फिट कर सकते हैं। इसके अंदर वायरिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए बोल्ट इस तरीके से तैयार हो चुका है, अब इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या करना है, सभी को एक दूसरे में कॉमन कर दिए, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर फेस जाएगा तो यहाँ से ये इन करेगा इसके अंदर में, तो यहाँ सभी के सभी इन्वर्टर पर ही ऑन होगा। इन्वर्टर पर जो भी लाइट जलेंगे वो भी सब इन्वर्टर पर, तो ये इन्वर्टर का पॉइंट है, 1.5 mm का वायर ही इसके अंदर में यूज़ हुआ है। तो इसको क्या करना है, 20 से ही खोल देना है एक को, और किसी एक टर्मिनल में इसको फिट कर लेना है। तो इसको यहाँ पे लगा दे रहा है, और हमारा फेस है जो इसमें अभी इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें टेपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये न्यूट्रल है, तो इसको एक न्यूट्रल देंगे इसको, ये इसका कनेक्शन हो गया फेस का, न्यूट्रल का और बॉडी अर्थ का, प्लस में ये पॉइंट है, तो सभी पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे। तो कौन कौन सा पॉइंट किसका है ये भी इसमें मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे इसके अंदर लाइन देके उसके बाद चेक करेंगे कि कौन किसका लाइट है, और सिरे बाई सिरे इसमें फिट करेंगे। चलिए इसका अभी इधर में ज़रूरत है, तो इस पाइप को यहाँ पर इसको हम फिलहाल इसको टेपिंग कर देते हैं इसके अंदर में। देखिए सभी के अंदर में यहाँ पे अभी फेस आ चुका है, अगर आपको दिखा पाओ यहाँ देखेंगे ये फेस सभी आ रहा है, और आपको इस सभी के अंदर देखेंगे सभी का अलग अलग पॉइंट भी लग के रेडी हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लगा, और एक इसके लिए काम करेगा। इसका अगर हम फ्रंट पे अगर आपको दिखा पाऊँ ये देखें यहाँ पे, और आपको ऊपर में अगर दिखा पाऊँ यहाँ पे देखिए वहाँ एक एग्जस्ट का पॉइंट बना हुआ है, एक लाइट के लिए यहाँ है, दूसरा लाइट के लिए यहाँ, तीसरा कंसील लाइट के लिए वहाँ, और ये चौथा पांचवा, ये पांचवा हो गया आपका एग्जस्ट के लिए। करके दिखाते हैं ये देखेंगे, ये देखिए लाइट सभी में आ चुका है। चलिए अभी सभी बोर्ड को इसके अंदर में फिट करते हैं। इस तो फिट करने के लिए क्या करना है, ये चार आप देख रहे हैं, ये इसको चारों में क्या करना है, सभी में एक जिप्सम स्क्रू है जो यहाँ पे लगने वाला है। 8 मॉडल में 4 होता है, 12 में भी 4 होंगे, 16 में भी सभी में 4-4 स्क्रू होते हैं, बाकी सभी में 2-2 स्क्रू होते हैं। वहाँ भी पॉइंट काया हुआ है, वहाँ भी है कि यहाँ भी है, तो सभी को फिट करते हैं। इस तरीके से फिट हो चुका है, और इसके ऊपर में प्लेट लगा दे रहे हैं। ये देखिए किचन के अंदर में सारे बोर्ड लग के फिट हो चुका है।